हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एमबीसी यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, आज मैं आप लोगों को मुझे सीएससी आईडी मिला है और सीएससी आईडी जो कि मिलने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ता है, तो गाइस वो सब कुछ मैं डिटेल्स में आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और कैसे मतलब खोलना है, जो कि सीएससी लॉगिन करना है, और कैसे आप लोग फिंगरप्रिंट दे के वहाँ में किसॉक डाटा और उसके बाद जो भी है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करवाना है, और किस तरीके से आप लोग कर सकते हो, और क्या क्या कर देने के बाद आपको फाइनली डिजिटल सेवा .cse.gov.in ये पोर्टल में इजीली आप लोग लॉगिन हो सकते हो। तो किस तरीके से हो सकते हो, तो देखिएगा इसमें इसका कंप्लीट आज मैं शॉर्ट सर्वे और क्या क्या मैंडेटोरी है और क्या क्या आपको करना होता है तो गाइस वो सिखाऊंगा। और अगर आपको हेल्प चाहिए कोई भी सीएससी से, तो गाइस मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं जितना हो सके ट्राई करूंगा आप लोगों को हेल्प करने के लिए। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, और अभी आप लोग स्क्रीन पर देखिए जो कि सीएससी आईडी मिलने के बाद आपको क्या क्या करना होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए, इसी तरीके का मैं नए नए वीडियो लाता रहूँगा। तो अभी स्क्रीन पर चलते हैं। सीएससी में जस्ट फिंगरप्रिंट देके लॉगिन कर रहा हूं, तो सिंपली हमें स्टार्ट कैप्चर पर सिंपली क्लिक कर दूंगा। तो देखिए गाइस यहां में पुट योर फिंगर, मेरा जो कि डिवाइस में रेड लाइट जल चुका है तो मैं दे दूंगा अभी। तो फाइनली गाइस कैप्चर सक्सेस, आप लोग देख सकते हो नीचे में आपको यहाँ में केवाईसी पर जाना है, और केवाईसी हमें आप लोग सिंपली देखिएगा इस केवाईसी अपडेट। तो ये सब अपडेट कर देने के बाद आपको देखिएगा इसमें पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, तो ये हमें सब कुछ अपलोड करना होगा ये सब कर देने के बाद। तो फाइनली गाइस digitalseva.cse.gov.in, तो फाइनली देखिएगा इसमें भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो वहाँ में आपको शॉर्ट सर्वे और वो फ्रॉम मतलब किसॉक अपडेट आपको करवाना होगा, तो देखिएगा इसमें भी आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए गाइस, जब आपको सी एस सी आई डी मिलता है और मिलने के बाद में आपको देखिए गाइस के वाई सी अपडेट करवाना होगा, जो कि पर्सनल डिटेल्स आपका पूछा जाएगा, और पर्सनल डिटेल्स बैंक अकाउंट और आपका जो कि कैंसिल चेक, तो इस तरीके का मतलब इन्फॉर्मेशन आपको मतलब सी एस सी लॉगिन करके मतलब देना होगा, केवाईसी अपडेट करवाना होगा। और वो कर देने के बाद आपको देखिएगा जब आप लोग डिजिटल सेवा पोर्टल में आओगे, और उसके बाद आपको छोटा सा यहाँ में किसॉक डाटा अपडेट एंड शॉर्ट सर्वे बोल के मतलब इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद देखिएगा यहाँ में किसॉक डाटा अपडेट, और यहाँ में क्या लिखा है गाइस आप लोग देख सकते हो, द ज्योग्राफिकल डाटा प्लेस ए वाइटल रूल इन लोकेटिंग द सी एस सी सेंटर इन ईच डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस पैन इंडिया, therefore it is mandatory to update the geo data by providing the information as asked। मतलब देखिए गाइस ये इसका कहने का मतलब ये है, आपका सेंटर मतलब जो भी मतलब और लोकेट करेगा मतलब कोई भी मतलब स्ट्रेंजर पर्सन और गूगल में आके अगर लोकेट करेगा, तो गाइस आपका मतलब वहाँ में इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, जब आप लोग मतलब ये शॉर्ट सर्वे मतलब किसॉक डाटा अपडेट करोगे तो ही गाइस उनको मिलेगा। अगर आप लोग ये नहीं करोगे तो देखिए गाइस आपका मतलब सी एस सी आई डी बैंड हो सकता है, और उसके बाद आपको मतलब कोई भी डिजिटल पोर्टल मतलब सेवा सर्विस नहीं भी मिल सकता है। तो उसके लिए गाइस यहाँ में ये किसॉक डाटा मैंडेटोरी है, अपडेट करना ही होगा आपको। और देखिए गाइस मेरा मतलब सी एस सी आई डी मुझे मिल चुका है, तो गाइस मुझे भी मतलब ये वाला शॉर्ट सर्वे देना होगा। और आप लोग देख सकते हो जो कि मेरा मतलब वन नंबर में चेक योर प्री फील्ड डाटा स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, और यह में सेलेक्ट द लोकेशन टाइप आइदर रूरल और अर्बन, और यह में सेलेक्ट द सब डिस्ट्रिक्ट, सेलेक्ट पंचायत, सेलेक्ट विलेज, इंटर द सिक्स डिजिट पिन कोड ऑफ योर एरिया, इंटर द फुल किसॉक पोस्टल एड्रेस, और उसके बाद देखिएगा इसे हमें क्लिक ऑन सबमिट टू प्रोसीड अपडेट करवाना होगा, जो कि हमें आप लोग देख सकते हो, और जो कि मेरा जो कि फुल किसॉक पोस्टल अपडेट में अभी यहाँ दे रहा हूँ, इस तरीके से आपको मतलब अपना जो कि सेंटर का नाम लिख देना है फुल मतलब इस तरीके से देखिएगा इस, और आप लोग यहाँ देख सकते हो
जो कि मन बहादुर साइबर कैफे ऑनलाइन, जो कि ये मेरा आप लोग ये में देख सकते हो ऊपर में नाम बाय डिफॉल्ट ये में यहाँ में आएगा। तो ये में बोल रहा है मतलब आपका पोस्टल एड्रेस फुल आपको यहाँ में देना होगा, मन बहादुर साइबर कैफे ऑनलाइन, और इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखिएगा सेम शॉर्ट सर्वे बोल के भी आएगा, और शॉर्ट सर्वे में आप लोग यहाँ में देख सकते हो डू यू रेगुलरली ट्रांजेक्ट ऑन डिजिटल सेवा पोर्टल, येस कर देना है इसको। और उसके बाद हैव यू इंस्टॉल्ड द डिजी पे एप्लीकेशन एंड डू यूज द सर्विस रेगुलरली, इसको भी येस कर देना है। देखिएगा सब येस कर देना है हमें। डू यू हैव एन IRIS डिवाइस, मतलब ये आँख का एक डिवाइस होता है मतलब। और उसके बाद देखिए इसको भी येस कर देना है, तो आप यूज़ करते हो या नहीं करते हो तो उस हिसाब से आपको हमें येस नो करना है। और डू यू यूज़ ए प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग रिसिप्ट फॉर द ट्रांजेक्शन, मतलब कोई भी आपके पास प्रिंटर है कि नहीं, ये सब भी पूछेगा गाइस, इसको येस कर देना है। और उसके बाद डू यू मेंटेन सोशल डिस्टेंस नॉर्म्स एट योर सेंटर, आप लोग आपके मतलब सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं आपका जो भी सेंटर है वहाँ में, तो आपको यहाँ पे सिंपली येस कर देना है, येस करता हूँ। और यहाँ में डू यू अलाउ द कस्टमर इन योर सेंटर विदाउट मास्क, क्या आप मतलब विदाउट मास्क में मतलब कस्टमर को आपका जो भी सेंटर है उसमें आप अलाउ करोगे, मतलब आप घुसने के लिए दोगे उनको या नहीं दोगे, मतलब वो अपना हिसाब से येस और नो करना है। तो देखिएगा मैं तो नहीं दूंगा विदाउट मार्क्स, तो नो कर देना है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ में इज और PM GDIS ए एप्लीकेशन यूजफुल फॉर द स्टूडेंट इन योर एरिया और यहाँ में डिस्ट्रिक्ट है, तो गैस इसको भी येस कर देना है। और डू यू अवेल द बैंकिंग और यहाँ में बैंक मित्र सर्विस ऑफर्ड बाय CSC SPB, मतलब देखिएगा यहाँ में अगर आपको मिला है तो गैस आपको यहाँ में येस करना है, अगर नहीं मिला है आपको तो गैस इसमें नो करना है, ये अपना हिसाब से करना है। देखिए गैस अगर CSC के थ्रू से अगर आपको मतलब CSP बैंकिंग सर्विस कोई भी कुछ भी आपको मिल रहा है तो गैस आप लोग इसमें येस कर सकते हो, अदरवाइज इसको नो कर सकते हो। तो और ये देखिए गैस आप लोग अपना हिसाब से करना है। तो देखिए गैस मैं सिंपली येस कर देना है आपको, मतलब अपना अपना हिसाब से करिए, मैं सिंपली येस कर दूंगा। उसके बाद डू यू हैव ए फिंगरप्रिंट डिवाइस, मतलब कि आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है मोरफो जो कि मंत्रा जो भी है आपके पास डिवाइस, तो गैस अगर है तो आपको येस कर देना है, अगर नो नहीं है तो नो कर देना है। और यहाँ में सब कुछ पूछा जाएगा। देखिए गैस डू यू सैनिटाइज योर सेंटर एवरी डे इन दिस कोविड आउटब्रेक, मतलब कि आप लोग मतलब सैनिटाइज करते हो अपना सेंटर में, मतलब देखिए गाइस ये अपना हिसाब से येस कर येस और नो कर देना है, येस सिंपली सिंपली येस कर देना है। और यहाँ में सिंपली देखिए गाइस नीचे में पूछा जाएगा डू यू चेक द टेम्परेचर एंड गिव सैनिटाइज टू कस्टमर बिफोर अलाउइंग देम टू सेंटर इन द सेंटर, तो देखिए गाइस इसको सिंपली येस येस कर देना है। और उसके बाद देखिए गाइस यहाँ में सिंपली इतना ही होता है, और उसके बाद यहाँ में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, मतलब इस तरीके से आपको दे देना है। तो फाइनली गाइस ये सेव सर्वे सेव्ड एंड सक्सेसफुल्ली, उसके बाद सिंपली आपको क्या कर देना है, हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस आप लोग सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देने के बाद ये जो कि इसका ऑफिशियल जो कि पोर्टल खुल के आपके सामने में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यही था मतलब आज का मेरा वीडियो में, किस तरीके से मतलब वो शॉर्ट सर्वे आपको पूरा करना है और क्या क्या लिखा होता है, मैं गाइस आप लोगों को जस्ट सिखा रहा था और आप लोगों को दिखा रहा था। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो गैस आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा। और देखिए गैस यही था मेरा आज का वीडियो में, और इस तरीके का आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा डिजिटल सेवा इंडिया, मतलब digitalseva.cse.gov.in, और यह में आपको देखने को मिल जाएगा आपका वॉलेट अकाउंट सब कुछ आपको यहाँ में देखने को मिल जाएगा। तो आई होप गैस ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए, और अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों का सपोर्ट करूंगा और हेल्प भी करने के लिए ट्राई करूंगा। तो चलिए गाइस आज का मेरा वीडियो यही था। जय हिंद जय भारत।